मुझे उम्मीद नहीं किए थे, सपने में भी नहीं देखे थे कि हमारी अयोध्या इतनी निहाल होगी। यहाँ इतनी गंदगी रहती थी कि हम लोग ऐसे कपड़े उठा के चलते थे, कोई सब व्यवस्था ही नहीं था यहाँ। हमारे यहाँ राम राज्य आ गया है, राम राज्य। अनहोनी को होनी कर दिया, जय श्री राम। राम जन्मभूमि पर अयोध्या मंदिर का निर्माण ये समुद्र लंघन की तरह कठिन कार्य था और हनुमान जी कृपा से दोनों योद्धाओं ने, योगी जी ने और मोदी जी ने, यह कार्य सफल करके दिखाया। हम सब तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम सब के उपस्थिति में राम मंदिर हम सब दर्शन करेंगे। जो है ये हम सब का दिल में कांटे की तरह चुभता था, आज जो है राम मंदिर बन गया, हम सब का बड़ा सौभाग्य है। संघर्ष मतलब मुलायम के समय में समझ छोटे छोटे थे, लेकिन देखे हैं यहाँ कि रात रात में गांव गांव से लोग जय श्री राम बोलते आते थे यहाँ पे। मोदी राम जी के अवतार हैं और योगी जी हमारे हनुमान जी के अवतार हैं। रामनगरी अयोध्या च इस वक्त मौजूद हाँ, बीड़ा चौंक दे विच जिथे खड़े होए हाँ, वख वख तरह दियाँ कलावां और माहौल जो देखने वाला है वह माहौल तुहानू दिखाण जा रहे हैं। प्रो पंजाब टीवी इस वक्त टीम जिहड़ी है वह अयोध्या रामनगरी च मौजूद है। तुसीं देख सकते हो चारे पासे भजन चल रहा है, संगत बहुत ज़्यादा आ रही है। राम की पैड़ी वल तुहानू लैके जावांगे, तुहानू नज़ारा दिखावांगे खूबसूरत, किवें जिहड़े लोग दूरों दूरों राम जी दे भगत पहुँच रहे ने, राम जी नू, राम जी दा उद्घाटन, राम जी मंदिर दा उद्घाटन 22 जनवरी नू होना है। राम लला उस दिन गर्भगृह करनगे अपनी उस थां ते, जिस थां ते 500 साल पहला उन्हां दा मंदिर बाबर वल्लों तोड़ दिता गया सी, जो हिंदू संगठनां दा दावा है। तां असीं तुहानू माहौल दिखा रहे हाँ। इस वक्त ये मेन चौंक है राम मंदिर दा, अयोध्या दा मेन चौंक, जिथे पूरा रौनक मेला। तो तस्वीर तुहानू असीं लगातार दिखा रहे हाँ। प्रशासन चप्पे चप्पे ते तैनात है, कोई भी अगर कोई गलती करेगा तो उस दे उत्ते कार्रवाई होवेगी। और बिल्कुल बसा देख सकते हो तुसीं, बसा फ्री चलाईया हुई ने, ट्रेना फ्री चल रही ने, और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इत्थे फिलहाल वेखण नूं नहीं मिल रही है। पंजाब तो भी दूर दराड़े तो संगतां इत्थे पहुँचिया हुई ने, असी तस्वीर लाइव तुहानू दिखा रहे हाँ। तो बहुत ज़्यादा जो माहौल बनया होया है, तस्वीर लगातार तुहानू राम की पैड़ी वल लैके जाने हाँ। बहुत खूबसूरत नजारा, जय श्री। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे हम लोग बहुत स्वर्ग महसूस कर रहे हैं, योगी मोदी ऐसे ऐसे बने रहे, अगला जन्म उनका परिवार के साथ हो और ये समाज के साथ फिर हो, सन 2024 में दोबारा फिर आ जाए हमारा अयोध्या राम। अयोध्या से पहले ऐसा माहौल कभी देखा? कुछ उम्मीद नहीं किए थे, सपने में भी नहीं देखे थे कि हमारी अयोध्या इतनी निहाल होगी। अनहोनी को होनी कर दिया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे भजन कोई आप बोल दीजिए अच्छा सा, जिससे हम लोग सुबह जय श्री राम सभी भक्तों को। हमारे यहाँ राम राज्य आ गया है, राम राज्य, योगी राज, मोदी राज, राम राज। सबरे निहारे रासिता आएंगे राम जी, सबरे निहारे रासिता आएंगे राम जी, जीवन को धन्य मेरे बनाएंगे राम जी, जीवन को धन्य मेरे बनाएंगे राम जी। जय श्री राम सभी भक्त, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम के नारे लगाते हुए योगी मोदी जी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं।
बहुत धन्यवाद। तो माहौल तुम देख सकते हो, जय सिया राम के नारे लगाए जा रहे हैं, संगतं दूर दूर तो पहुंचिया हुई ने, तस्वीर तुम्हें असं लाइव दिखा रहे हैं। योगी मोदी के भजन गाए जा रहे हैं। अयोध्या लोग कहते हैं कि योगी मोदी का बहुत बहुत शुक्र है, ये सियासत के बने रहेंगे। तो तस्वीर देख सकते हो, तुम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अयोध्या के इस वक्त मौजूद हाँ राम की पैड़ी, जिथे लोग बहुत जड़ा के एक दूसरे को प्यार नाल जय सिया राम बुला रहे हैं। तो तस्वीर तुम असं लाइव दिखा रहे हैं। तो इतने साधु संत भी मुझे जय सिया राम साधु संत भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जय सिया राम भाई जी। जय सिया राम। कहाँ से आए हैं हम लोग? राजस्थान हिमाचल से महाराज जी आए हैं, गुजरात से आए हैं महाराज जी, और भारत के अलग अलग ऐसा महसूस कर रहे हैं वो इतिहास के दिन में आज आप हाजिरी लगा रहे हैं जिसकी उड़ीक हमारे पूर्वजे कर रहे थे। बहुत आनंद। अयोध्या नगरी तो वैसे ही सनातन नगरी है, यहाँ आकर तो प्रत्येक व्यक्ति को आनंद का सो आनंद सिंधु सुख राशि, यहाँ आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को आनंद के समुद्र, सुख के समुद्र, भगवान श्री राम की कृपा से आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल है। पहले कभी अयोध्या आए हो? आते रहते हैं हम लोग, संत हैं उस नाते अयोध्या जी में राम जी बुलाते रहते हैं, सरजू माता की गोद में खूब किलोल करते रहते हैं। पहले से और आज में क्या आपको डिफरेंस नजर आ रहा है? भौतिक रूप से बहुत बदलाव है, आध्यात्मिक रूप से तो सनातन नगरी है तो उसका तो अनुभव होता ही रहता था पहले से। अब ये जरूर है तीर्थों में सुविधा के अनुसार यात्रियों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए अच्छी सुविधा हो गई है। किसको शेयर्स मानते हैं कि किसको ये सारा सामान्य जाना चाहिए कि इसकी वजह से आज रामलला 22 जनवरी को आ रहे हैं? श्रेय तो अपन किस ये समझिए कि श्रेय मिलना नहीं मिलना ये बात की बात है, राम जी का काम जिसने किया है वो विश्व पटल पर अपने आप ऊपर आ जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने बिल्कुल हनुमान जी की तरह समुद्र लंघन बड़ा कठिन कार्य था पर समुद्र लांग कर लंका में माता जानकी को मिलकर आए, वैसे ही राम जन्मभूमि पर अयोध्या मंदिर का निर्माण ये समुद्र लंघन की तरह कठिन कार्य था और हनुमान जी कृपा से दोनों योद्धाओं ने, योगी जी ने और मोदी जी ने यह कार्य सफल करके दिखाया जी। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन? अच्छा है महसूस। तो क्या है महसूस, तो हमेशा ही अयोध्या में अच्छे महसूस होता है, भगवान राम जी की नगरी है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, हम सब तो आज राम मंदिर जो है हम सब तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम सब के उपस्थिति में राम मंदिर हम सब दर्शन करेंगे, जो है ये हम सब का दिल में कांटे की तरह चुभता था, आज जो है राम मंदिर बन गया, हम सब का बड़ा सौभाग्य है जो हम सब राम मंदिर के जो उत्सव के उपलक्ष्य में आज अयोध्या में हम सब आए हुए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद, आप अपनी यात्रा मंगल में कीजिए। तो तस्वीर तुम लगातार दिखा रहे हैं, गलबात हो रही है, ता गलबात दरम्यान जड़ी साधु संत भी ने उन्हां नाल भी गलबात की, कहते बहुत चंगा लग रहा सानू। तो लगातार असी अगे वध रहे हैं राम की पैड़ी वाल। मेरे नाल अगर गल की जाए तो बहुत सारे लोग जो खुश ने, अयोध्या नगरी के जो लोग ने वह बहुत खुश ने। तो लगातार असी अगे चलते हैं, गलबात करन दी कोशिश करांगे लोगों के नाल, दर्शक संगत ने जोड़े और किवें दा महसूस कर रहे हैं, उन्होंने गलबात भी की असी। तो कैसे महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या के हैं। अयोध्या से हो तो ऐसा माहौल पहले कभी था यहाँ पे? कभी नहीं था, कभी था ही नहीं। अच्छा, तो आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर पे है। 5 किलोमीटर पे है। तो आपने कैसे कैसे यहाँ पे संघर्ष वाले दिन कुछ देखे हैं, जब लड़ाई लड़ते थे लजार कोई मंदिर के लिए? बहुत संघर्ष, मतलब मुलायम के समय में समझ छोटे छोटे थे, लेकिन देखे हैं यहाँ की रात रात में गांव गांव से लोग जय श्री राम बोलते आते थे यहाँ पे, कार सेवा वाले साथ में। हाँ हाँ, छोटे थे लेकिन पिलाए थे। गोलियाँ चलती आपने देखी? नहीं, गोलियाँ चलते नहीं देखे, छोटे थे। कार सेवकों नहीं याद तो है कि मतलब गुंबद पे चढ़े हैं, गोली चली है, सब टीवी में देखे थे, तब छोटे छोटे थे हम। क्या मानते हैं आप, किसको श्रेष्ठ जाना चाहिए इस चीज का? योगी जी और मोदी जी को जी। हाँ। 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, अब आपको लगता है कि मोदी जी आएंगे? मोदी जी ही आएंगे, हम लोग तो शुरू से ही योगी जी आएंगे, केंद्र में योगी जी मोदी जी आएंगे। तो इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी होगी? कभी नहीं, यहाँ इतनी गंदगी रहती थी कि हम लोग ऐसे कपड़े उठा के चलते थे, कोई सब व्यवस्था ही नहीं था यहाँ। बहुत व्यवस्था है, बहुत स्वच्छता अच्छा है। हम लोग का जन्म सफल हो गया यहाँ पे, हम लोग पैदा हुए अयोध्या में। आपको लगता है कोई जन्म का पूर्व कर्म अच्छा होगा जो अयोध्या में हम लोग हैं? चलो जय सिया राम बोलिए। जय सिया राम। तो अयोध्या नगरी के लोग जो है बहुत खुश है, वो बोल रहे कि हमने अपनी आंखों के सामने हर एक वो मंजर देखा है जिस मंजर में लोगों ने अपनी जो नुकसान झेला है यहाँ पे, और भी साधु संत क्या महसूस कर रहे हैं, क्या बातचीत करना चाहते हैं बोलिए जी।
आप सुबह आए थे क्या? नहीं। अच्छा, तो जय श्री राम। शिवोहम सोहम। ये हाँ हमारे गुरुजी का दिया हुआ मंत्र है। अच्छा। हाँ अब बोलो, आप क्या बोलना पूछना? कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने तो देखा होगा हर चीज को अपनी आंखों से, जब संघर्ष लड़ रहे थे कार सेवक हो, तो क्या वो दिन था और आज दिन में क्या डिफरेंस? 72 से जब से जनसंघ बिगड़ के भाजपा बनी, तब से बराबर सक्रिय रहे सेवक, और आज भी साधु जरूर बन गए हैं, लेकिन जो भावना है हमारी, तो ये जो भाजपा है ये सत्यता की तरफ चल रही, सत्य को लेकर के चल रही है। और जितनी भी पार्टी हैं, हम किसी को असत नहीं कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई आचार विचार नहीं है। ये आचार विचार नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, यहाँ बाबर ने जन्म लिया कि तो उन राम ने जन्म लिया, ये ज्ञान उन्हें नहीं है। अगर ज्ञान है तो पद की लोलुपता में कि हमें सरकार मिल जाए, कुर्सी की लोलुपता में अनेकों तरह के झूठे सांचे जो शब्द उठा रहे, आज यहाँ तक जो शंकराचार्य बने बैठे उनकी भी बुद्धि मारी गई। हमारे महापुरुषों ने कहा कि देखो शुभ काम के लिए कोई समय नहीं है, सब समय भगवान का है। शुभ काम जितने का, अगर किसी को दान देना है तो बाएं हाथ में अगर पैसा है तो उसे दान में मत करो, पांच पकड़ा दो शुभ समय। और अब दान में करने से भाव बदल गया तो तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये लोग हैं तो पढ़े लिखे, लेकिन हमारी समय बिल्कुल अनभिज्ञ है, जो अपने को नहीं, अपने सत्यता को नहीं, अपने को नहीं जानते। तो शरीर को जानते हैं, शरीर है, हम शरीर हैं नहीं, हम आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है, ना आत्मा कोई जन्म लेती है ना कभी आत्मा मरती है। तो आत्मा का ज्ञान इन लोगों को नहीं है, इसलिए अनभिज्ञता की बात ये शंकराचार्य भी कर रहे हैं। ज्ञान नहीं है, काल बड़ी जोर वो कि हम फूंक देंगे, ये महात्मा के कर्म की जो फूंकने का? अरे महात्मा तो सर्वव्यापी है, सब महात्मा के, महात्मा जो अपने गुरु का चेला है वो कभी किसी को अश्राप नहीं दे सकता है, वो आशीर्वाद देता है, चौक सामने वाला कुछ भी बोले लेकिन आशीर्वाद देता है। और ये अन्यायी लोग हैं, हम मोदी फूंक दे, अरे तुम्हारी क्या हद थी तुम मोदी फूंक दोगे? तुम्हें तो जो दिन चाहेंगे तो दिन लुटका लटका देंगे, लेकिन ऐसा मोदी करने वाले नहीं है। और मोदी के अंदर, मोदी राम जी के अवतार हैं और योगी जी हमारे हनुमान जी के अवतार हैं, दोनों का मिलके ये संग्रह अयोध्या का आज उज्जवल भाव ने कब नारा लगाया था 72 में, उज्जवल भारत की तैयारी और देश का नेता अटल बिहारी। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके। और बोल रहे हैं कि राम जी के अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हनुमान जी के अवतार योगी जी, जिन्होंने मिलकर अयोध्या का संग्राम जीता, आज इस जगह पे जहां कचरा हुआ करता था, आज उस जगह पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, नहा रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आज के दिन यहां पे जो माहौल है वो कभी होगा, कभी होना था। तो अयोध्या के लोग बहुत खुश हैं, दूर दूर से आ रहे लोग बहुत खुश हैं। राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों पर है, 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, देखना होगा कि उस दिन का माहौल, उस दिन का इतिहास क्या होगा, उस दिन को इतिहास में किस तरह लिखा जाएगा। क्योंकि अभी तक जो लोग सोच रहे हैं कि क्या दिन होगा, कैसा कैसा माहौल होगा, घंटियां बजेंगी, नगारे बजेंगे, वो दृश्य देखने वाला होगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ प्रिंस सुनियाल, अयोध्या, प्रो पंजाब टीवी।